हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे टूटी फूटी से केक। तो चलिए, केक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, इसी कप में भर के 2 कप मैदा लिया था। 1 कप हमने शुगर लिया है, 1 कप हमने दूध लिया है, इसी पे हमने मेजरमेंट करके 1 कप दूध लिया है। यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 2 अंडे लिया है, और यहाँ पे वेनिला एसेंस लिया है, और टूटी फूटी लिया है 2 कलर में। साथ ही हमने केक बेक करने के लिए केक मेकर लिया है, या आप किसी भी बर्तन में आप केक को बेक कर सकते हैं। तो चलिए, केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलें। उससे क्या होता है, मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। तो चलिए, केक बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें हमने 2 अंडे अंदर डाल दिया है जो है मिल्क ऐड करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क ऐड करेंगे। अब हम अंडे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। कोई शुगर पाउडर भी लेता है, पर मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर नहीं लिया है, मैंने शुगर लिया है। अब हम इसको मेल्ट होने तक अच्छे से चलाएंगे। तो हमने शुगर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और साथ साथ इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड कर लेंगे। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल छोटा स्पून है, इसमें भर के 1/2 स्पून जितना हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जाएंगे, ताकि इसमें लम्स ना बने। तो देखिए, केक बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है, बिल्कुल बाजार जैसा केक। तो बस इसी तरह हम ये सारे मैदा डाल के तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारा मैदा इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर दूध के नीड पड़े तो हम इसमें थोड़ा दूध और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है दूध के जो है उसका नीड है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा दूध ऐड कर लूँगी और इसको चला के फिर मैं देखूँगी। अगर और ज़रूरत पड़े तो मैं और दूध लूँगी। तो बस इसी तरह हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो बस हमारा केक का जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार है, हमें इतना ही चाहिए। तो देखें आप, हमने यहाँ पे 1 कप दूध लिया था, उसमें से इतना बच गया है। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। आज जो हम केक बनाएंगे उसमें बटर पेपर नहीं लगाएंगे। पहले मैंने इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें मैदा डाल के चारों तरफ से मैदे को फैला देंगे। तो हमने यहाँ पे अच्छे से इसको मैदे से हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको भी साइड पे रखते हैं। तो केक का जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम केक को बेक कर लेते हैं। उससे पहले एक बार इसमें चम्मच चलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बैटर इसमें डालेंगे और इसके ऊपर हम कुछ
टूटी फ्रूटी डाल देंगे। तो देखिए इस तरह, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मुझे इतना नहीं पसंद, तो मैं यहाँ पे कम लूँगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा और बेटर डालेंगे। अब हम इसी पे थोड़ा और टूटी फूटी डाल देंगे और इसको बेक होने के लिए रख देंगे। तो देखें इस तरह, देखें बस, तो हमारा केक बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। हमने यहाँ पे पतीला जो है उसको अच्छे से गरम कर लिया है। 10 मिनट पहले हमने चूल्हा ऑन कर लिया था, तो अब हम इसको बेक कर लेते हैं। चूल्हा अब हम यहाँ पे बिल्कुल लो पे रखेंगे और इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। 35 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा केक जो है वो तैयार है या नहीं। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त केक बन के तैयार है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। अब हम यहाँ पे चूल्हा ऑफ कर देते हैं और केक को हम निकाल लेते हैं। अब हम केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए केक जो है उसका बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। बस इसको 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। जैसे ये ठंडा होगा हम इसको निकाल के और आपको हम दिखाएंगे। तो हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ऐसा करके अब हम इसको पलट लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा थपथपा लेंगे तो केक जो है वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो देखें इस तरह, तो हमारा केक जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम यहाँ पे केक को काट के दिखाएंगे। तो देखें है ना बिल्कुल बाजार जैसा। तो प्लीज़ इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो देखें हमारा टूटी फूटी से बना हुआ केक बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। फिर मैं लौट के आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।